जय हिंद और जोहार। आज के इस वीडियो में हम लोग तिलका मांझी के बारे में जानेंगे, झारखंड के और संपूर्ण भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। आप लोगों का कमेंट था कि सर आपने बिरसा मुंडा के बारे में वीडियो बनाया, आपने सिदो कानू के बारे में वीडियो बनाया, तो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में भी वीडियो जरूर बनाइए। अरे हम किसी काम में आप कहो और हम ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? तो आज का एक और ऐतिहासिक वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर है दोस्तों। जब मैंने तिलका मांझी के बारे में पढ़ा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, और मेरा यह दावा है कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज बनाए हैं उसमें से सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा पसंदीदा वीडियो आप लोगों का यह होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और मन करे तो शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया, पिता का नाम था सुंदरा मांझी। तिलका मांझी जो इनका नाम है यह नाम इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। देखिए, तिलका का मतलब होता है गुस्सेल व्यक्ति, है ना, कि गुस्सेला व्यक्ति जिसकी आंखें लाल हो। चूंकि तिलका मांझी एक क्रोधी स्वभाव के स्वतंत्रता सेनानी थे, एक आक्रामक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाक पर दम कर रखा था, इसीलिए अंग्रेजों ने ही इन्हें तिलका नाम दिया था। और मांझी चूंकि इनके बाबूजी तिलकपुर गांव के ग्राम प्रधान थे, इसलिए ग्राम प्रधान को उस समय मांझी बोला जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ा तिलका मांझी। बचपन से ही इन्हें कुश्ती करने में, तीरंदाजी करने में, जंगलों में जाकर के शिकार करने का इत्यादि का शौक था। पेड़ों में चढ़ करके ये फल तोड़ने का भी काम करते थे, है ना। बचपन से ही थोड़े नटखल स्वभाव के थे तिलका मांझी। अपने दोस्तों के साथ जंगलों में जाते थे, घूमते थे, फेरते थे, है ना। ये जंगलों के जो एक्टिविटी थे, ये कुश्ती करना, ये तीरंदाजी करना, जंगलों में जाकर के शिकार करना, ये सब एक्टिविटी ही तिलका मांझी को बचपन से अंदर से वीर बनाती है, लड़ने को उत्तेजित करती है, लड़ने को तैयार करती है, यही सब जंगल की एक्टिविटीज। आपको मैंने बताया था अपने पिछले वीडियोस में, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार बिरसा मुंडा की बायोग्राफी, सिदो कानू की बायोग्राफी जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है, तब अंग्रेज सरकार जब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब प्लस मुगल बादशाह की सम्मिलित सेना से जब लड़ाई करती है तो बक्सर का युद्ध जीत जाती है, और बक्सर का युद्ध जब जीत जाती है तो मुगल बादशाह के द्वारा अंग्रेजों को दीवानी प्रथा मिलती है या दीवानी अधिकार मिलता है। इस दीवानी अधिकार के अंतर्गत बंगाल के क्षेत्र में राजस्व लेने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। और उस समय पता है कि बंगाल के एरिया में झारखंड भी आता था, बिहार भी आता था, पश्चिम बंगाल भी आया करता था। तो इसीलिए झारखंड चूंकि बंगाल के क्षेत्र में था तो बंगाल में अंग्रेज आ दब गए। मैंने बताया था कि झारखंड के सिंहभूम के क्षेत्र से, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ है सिंहभूम, तो सिंहभूम के इलाके से झारखंड में प्रवेश करते हैं अंग्रेज और अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता रहता है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज झारखंड में लोगों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, झारखंड के आदिवासियों के जंगलों को काटना रेल निर्माण करने के लिए, उनकी बहू बेटियों को, औरतों का बलात्कार करना, अगर केस मुकदमा होता था तो केस का सारा खर्च देना पड़ता था आम लोगों को। कोई अगर आदिवासी किसी अंग्रेज पर केस करते थे तो केस का सारा खर्च आदिवासियों को उठाना पड़ता था। उनके यहाँ पर जबरन काम करवाया जाता था, उनकी जमीनों को रोक लिया जाता था, जमींदारी प्रथा लागू थी। जमींदार क्या करते थे, आदिवासियों को अपने यहाँ काम पर जबरन लगाया करते थे, उनकी जमीन छीन लिया करते थे। इस तरह का प्रताड़न का सामना आदिवासियों को करना पड़ता था। एक तरफ अंग्रेजों का जुल्म बढ़ रहा था, दूसरे तरफ तिलका मांझी बड़े हो रहे थे। अंग्रेजों का जुल्म हर एक आदिवासियों में, मैंने बताया था कि पहले ये लोग शांत स्वभाव के हुआ करते थे, एक समय ऐसा आया कि ये लोग आक्रामक हो गए, और वही आक्रामकता का सबसे बड़ा उदाहरण है तिलका मांझी। तिलका मांझी वो पहले आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बिगुल ठोका। उन्होंने ही बोला कि इस अंग्रेजों से डर क्यों रहे हो, क्यों इनकी जमींदारी जागीरदारी को एक्सेप्ट कर रहे हो, इनके खिलाफ लड़ो, इन लोगों को मारो, ये हमारी जमीन में, हमारी धरती में आकर के हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहा है, हमें गुलाम बना रहा है, हमारी धरती में आकर के इनको मारो। जब इनके दोस्त इनकी बातें नहीं सुनते, इनके ग्राम के लोग इनकी बातें नहीं सुनते, चूंकि ये बच्चे थे, इनके परिवार के लोग इनके बातें नहीं सुनते थे, जब भी कोई अंग्रेज अफसर या अधिकारी तिलका मांझी के गांव आता और तिलका मांझी से कभी उसका पाला पड़ा और जबरन उससे कोई काम करवाने की कोशिश की, तो तिलका मांझी ने उनके मौत के घाट उसे उतार दिया, उसे बहुत मार मारा। कोई भी अंग्रेज आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तिलका मांझी को अपने कंट्रोल में ले आए। तिलका मांझी हमेशा बोला करते थे कि तुम मेरे जमीन में आए हो, तुम मेरे घर में आए हो, तो
तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये, तुम्हारा, ये मेरा घर है, ये मेरा जल जंगल जमीन है जहां पर मेरा कब्जा है। तुम आकर के मेरे जमीन में मुझ पर अधिकार स्थापित करने वाले कौन होते हो? तो बचपन से ही कभी अंग्रेजों की गुलामी एक्सेप्ट नहीं किए थे तिलका मांझी, हमेशा उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा और लोगों को भी सिखाया। लेकिन चूंकि कम उम्र था, कम उम्र में एक बच्चा क्या ही कर देगा, समय के साथ जैसे जैसे तिलका मांझी बड़े हो रहे थे उनमें अंदर की आक्रामकता की आग और बढ़ रही थी और धीरे धीरे उनका हिम्मत और हौसला को देख करके लोग और मोहित हो रहे थे उनकी तरफ। वो देख रहे थे कि तिलका किस तरह से एकमात्र ऐसा युवा लड़का है, पूरी दुनिया अंग्रेजों की गुलामी सह रहा है लेकिन ये एक अकेला बोल रहा है कि हम तो आजाद है, मुझे कोई नहीं गुलाम कर सकता है। और ऐसा ही वक्त बढ़ता है दोस्तों, आगे बढ़ता है। कई बार ऐसा हुआ था कि जब भी गांव में अंग्रेज सरकार उन पर जुल्म ढाने के लिए आती तो तिलका मांझी अपने साथियों के साथ इसी तरह से अंग्रेजों को मार भगाते थे। आप देख रहे हैं कि इधर अंग्रेजी सरकार है और यहां पे तिलका मांझी तीर धनुष लेकर के उन पर जो है वार कर रही है। कभी इन्होंने अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा उनका उनके खिलाफ लड़ा है, उनके विरुद्ध लड़ाई छिड़ी। आगे बात करते हैं दोस्तों, समय के साथ तिलका मांझी बड़े हो गए थे, अब लोग उनकी बातें सुनने लगे थे। बचपन से देखते आए थे कि पूरी दुनिया अंग्रेजों की गुलामी सहते थे लेकिन तिलका मांझी कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहे थे। तो तिलका मांझी को देख करके लोगों में धीरे धीरे अंदर में मन में आक्रामकता की भावना आई, लोगों में कॉन्फिडेंस आया, लोग सोचने लगे कि अब हम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये एक अकेला निडर इंसान है जो अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा लड़ाई करता है और आज तक अंग्रेज इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। समय के साथ तिलका मांझी की सेना बड़ी होती जाती है, लोग तिलका मांझी के साथ जुड़ने लगते हैं और कई सारे लोग, कई सारे समुदाय, कई सारे गांव तिलका मांझी के अनुयायी बन जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि देश में अकाल आ जाता है, सूखा आ जाता है। आदिवासियों के जमीन तो पहले से ही जमींदारों के कब्जे में थी, उन्हें टैक्स देना पड़ता था और ऊपर से हो गया सूखा, लोगों के खाने के वांदे हो गए, लोग झारखंड में बहुत तादाद में मरने लगे। उनकी आंखों के सामने गांव के लोग भूख से मर रहे थे, तड़प के बच्चियां मर रही थी, बूढ़े बुजुर्ग मर रहे थे, लोग मर रहे थे। अकाल की इस स्थिति को देख करके तिलका मांझी अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ऐसे में तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। तो एक प्लान वो बनाते हैं, उसके तहत वे अपने कुछ दोस्तों को लेकर के अंग्रेजी सरकार के खजानों को लूटने के लिए चले जाते हैं और अंग्रेजी सरकार के खजानों को लूटने के पश्चात गांव वालों में दान कर देते हैं, जिससे गांव वालों की भूख मिट जाती है और इस अकाल की स्थिति में कई सारे लोग, हजारों लोग जो है भूखे मरने से बच जाते हैं। जब तिलका मांझी अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को लूट करके गांव वालों में बांटते हैं, गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें अपना मसीहा मान बैठते हैं। वो समझ चुके थे कि तिलका मांझी अब मामूली इंसान नहीं है। तिलका ने हमेशा से ही अपने जंगलों को लूटने, अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा था। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती, जंगलों, वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों का कब्जा देख रखा था। आदिवासियों और पर्वतीय सरदारों की लड़ाई अक्सर अंग्रेजी सत्ता से होती रहती थी लेकिन पर्वतीय जमींदारों एवं अंग्रेजी सत्ता का ही साथ दिया करता था। मैंने बताया कि जमींदार जो है ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के साथ मिली हुई थी। धीरे धीरे इसके विरुद्ध तिलका आवाज उठाने लगे, उन्होंने अपने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका मांझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित करते थे, जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को देश के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करते थे। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, आज भी पॉलिटिक्स की बात करोगे तो धर्म, मजहब, जाति के नाम पर ये पॉलिटिक्स होता है और उस समय भी यही होता था। तिलका मांझी ने अपने लोगों को बोला कि जाति, धर्म, अंधविश्वास ये सबको भूल करके अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए लड़ो। अपने से क्या लड़ाई कर रहे हो, इन अंग्रेज सिपाहियों से लड़ो, इस अंग्रेजों से लड़ो जिन्होंने हमारे जल जंगल जमीन को कब्जा करके हमारे घरों को, हमारी जमीनों को, हमारी औरतों को इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। हम लोग सालों से इनकी गुलामी सह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ तुम लोग लड़ो, आपस में क्या लड़ रहे हो। तो लोगों को समझाने का काम करते थे तिलका मांझी। अंग्रेजी सरकार के खजाना लूटने के बाद तिलका मांझी की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी, अब वो धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार पर और ज्यादा वार करना शुरू कर दिए थे। इसी बीच हमारा घटना निकल करके आता है। इसके आगे की घटना अगर बात करें 1784 ईस्वी में, उन्होंने चूंकि खजाने को लूटा था 1770 ईस्वी में, इसके 14 साल बाद कि 14 सालों में, इन 14 सालों में बहुत इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। 1784 में उन्होंने भागलपुर में हमला किया और 13 जनवरी 1784 में ताड़ के पेड़ पर चढ़ करके घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टन क्लीवलैंड को अपने जहरीली तीर का निशाना बनाया और मार गिराया, है ना। देखिए कितनी बड़ी बात थी, एक आम अंग्रेज सिपाही को मारना और एक अंग्रेजों में एक कलेक्टर को मार देना, तो ये बहुत बड़ी घटना है जिससे अंग्रेजी सरकार बौखला उठी, है ना, और सबसे बड़ी कार्रवाई करती है तिलका मांझी के ऊपर। कलेक्टर की मौत से पूरी ब्रिटिश सरकार सदमे में थी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला एक आम आदिवासी उनके कलेक्टर को मार गिराएगा। साल 1771 से लेकर के 84 तक जंगल के इस
बेटे ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई लंबे संघर्ष किए। इन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, ना कभी झुके और ना ही डरे। इन्होंने स्थानीय सुदकोर जमींदारों एवं अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया। मैंने बताया कि जब तक जिए आदिवासियों के लिए लड़ते रहे। इतना इन्होंने संघर्ष किया, खजाना लूट करके आए, उसके बाद कोई कई लोगों को परेशान किया, अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को मार गिराया इन्होंने, है ना। पूरी अंग्रेजी सरकार, पूरी अंग्रेजी सत्ता इनसे परेशान थी, डरी हुई थी, धमकी हुई थी। चूंकि छापेमार नीति के तहत, इसके आगे की घटना मैं सुनाऊं, तो जंगलों में ये जब अंग्रेजी सरकार को मार गिराते थे, अंग्रेजी सरकार जब परेशान थे इससे, तो जंगलों में इन्होंने छापेमार युद्ध नीति कला सीखी थी। छापेमार युद्ध नीति होता था कि रात के अंधेरे में या जंगल के बीच रास्ते में से जब कभी अंग्रेजों का कारवा गुजरता था तो उस जंगल के पेड़ों में छुप करके ये लोग छापेमार युद्ध नीति करते थे। जैसे ही खाली इलाका मिलता जहां पर उन पर हमला किया जा सकता था, उन पर हमला करके उन अंग्रेजी सिपाहियों को मार गिराया जाता था। आगे बात करें दोस्तों, अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वे तिलका को कभी पकड़ ही नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने अपने सबसे पुरानी नीति डाली, फूट डालो और राज करो, और काम लिया। मैंने बताया कि डिवाइड एंड रूल इस समय से स्टार्ट हो गया था। लोग हम लोग कभी समझे नहीं, भारत वंश के लोग जो है डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत, आज से नहीं, जितना हम लोग गुलामी सहे हैं अंग्रेजों का, ये एक पॉलिसी के तहत हम पर राज कर बैठा अंग्रेजी सरकार। ब्रिटिश हुक्मरानों ने उनके अपने समुदाय के लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फरेब रंग लाया और तिलका मांझी के समुदाय के ही एक गद्दार ने उनके बारे में सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाई। मैंने बताया जब बिरसा मुंडा की कहानी सुनाई, तब मैंने बताया कि एक गद्दार के कारण बिरसा मुंडा पकड़े गए। फिर मैंने कहानी बताया सीधो कानू के बारे में कि गद्दार के कारण सीधो और कानू भी पकड़े गए थे। और इसी तरह लालच में, अपने ही लोगों में से एक निकल करके लालच में, कुछ चंद रुपए के लालच में तिलका मांझी की खबर दे देते हैं कि तिलका मांझी कहाँ पर है, और रातों रात अंग्रेजी सरकार निकल पड़ती है तिलका की तलाश में। उनके ठिकाने पर उनका जो घर था वहाँ पर अंग्रेजी सरकार धावा बोलती है, लेकिन तिलका मांझी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो रात के अंधेरे में किस फिराक में, किस रास्ते से निकल गए अंग्रेजी सरकार को पता तक नहीं चला। जिन लोगों ने पैसे लेकर के अंग्रेजों को बताया था कि कहाँ पर तिलका मांझी का ठिकाना है, उन्हीं में से किसी एक ने तिलका मांझी को जाते हुए देख लिया और रास्ता बता दिया कि तिलका मांझी उन पहाड़ी इलाकों में गया है। पासी के क्षेत्र में, भागलपुर के पास के क्षेत्र में एक पहाड़ी इलाका हुआ करता था, एक चट्टानों का इलाका हुआ करता था, बहुत बड़ा इलाका था। उसी में एक गुफा में जाकर के तिलका मांझी छुप गए, है ना। देखिए, छुपना मजबूरी था, डर के नहीं भागे थे। कोई अगर सोचेगा कि डर के अंग्रेजी सरकार से भाग गए, नहीं, क्योंकि तिलका मांझी को पता था कि उसके अलावा पूरे आदिवासी साम्राज्य में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आवाज उठाएगा। अगर मेरी जान चली जाती है तो आदिवासी भाई का ये नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा। जो मुझे इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है अंग्रेजों के खिलाफ, अब आदिवासियों में जो हिम्मत है वह हिम्मत खत्म हो जाएगा अगर मैं पकड़ा गया, अगर मैं मारा गया तो। इसीलिए बिरसा मुंडा जाके गुफाओं में छुप गए थे कि सही समय आने पर निकलेंगे और उन पर वार करेंगे। लेकिन थे अंग्रेज, पढ़े लिखे थे, चालाक आदमी थे, उनके चालाकी के बारे में दुनिया जानता है। अंग्रेजों को भनक लग गया था कि कहीं इन पहाड़ों में, इन गुफाओं में ही कहीं तिलका मांझी छुपे हुए हैं। वे समझ गए थे कि यह पापी पेट इंसान रह लेगा जंगलों में, कितना दिनों तक रहेगा और कितना दिन शिकार कर लेगा, है ना। उन्हें पता था कि भूख के मारे तो लोगों को निकलना ही पड़ेगा उस क्षेत्र में, पूरे इलाके में, जिस इलाके में ये पड़ता था, ये जो एरिया था, ये गुफा था, ये चट्टान वाले इलाके थे, उस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी और लोगों का उस एरिया में जाना बंद कर दिया। अब लोग जाने लगे, तिलका मांझी के भी अपने लोग थे जो जा करके कुछ खाना पीना देते इनको, है ना, तो लोगों का आवागमन कम हो गया। तो एक सप्ताह के अंदर, 7 दिन 8 दिन के अंदर तिलका मांझी को मजबूरन उस जगह से निकलना पड़ा भूख से। देखो, हम लोग ऐसे बात करते हैं, ये सब बातें कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। नॉर्मल ह्यूमन बींग है, भूखे कोई इंसान रह सकता है क्या? आपको मैं बोलूं, एक दिन भूखे रहने के लिए, 2 दिन रहने के लिए, 3रे दिन छटपटा जाओगे आप। तो वही है कि एक इंसान भूखा है तो भूख तो लगेगा, जाहिर सा बात है, तो खाने की तलाश में निकलता है। और चूंकि जंगल को पूरी चारों तरफ से ये ब्रिटिश सरकार घेर के रखती है, तिलका मांझी पकड़े जाते हैं। तिलका मांझी को पकड़ करके जेल ले जाया जाता है और घोड़े में बांध करके, आप देख रहे हैं उस तरह का इमेज मुझे मिला नहीं, मैं आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, एक घोड़ा है और घोड़ा से रस्सी में बांध करके इनके पैर में रस्सी को बांध दिया जाता है और मीलों तक जमीन में घिसाड़ा जाता है। कोई अंग्रेजी सिपाही रहता, कोई अफसर रहता तो हो सकता था कि 10 मिनट में दम तोड़ दे, लेकिन मीलों तक, कई किलोमीटर तक इस तरह से रगड़े जाने के बाद भी तिलका मांझी की सांसें चल रही थी और वह स्माइल कर रहे थे। पूरे शरीर में उनके लहूलुहान हो चुका था। आपने एक फिल्म देखी थी,
है ना। आपने एक फिल्म देखी थी RRR, उसमें एक सीन आया था जिस पर हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो जूनियर NTR जिस फिल्म की भूमिका में निभा रहे थे, कि इनके लास्ट के कुछ क्षणों में देखिएगा कि पूरे शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन तब भी जो है उनमें वही स्वाभिमान था, वही क्रोध था। तो उसी तरह का कुछ एक्टिविटी था। देखिए, आप बोलिएगा कि सर इतने आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं, ये मेरा दिल अंदर से आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता कि कहां से ये अंदरूनी शक्तियां आ रही है, क्या मुझे बोलना है, लेकिन मेरा मन बोल रहा है ऐसे बोलने को। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैंने ऐसा पढ़ा, मैंने ऐसा देखा कि उनमें स्वाधीनता थी, उनके में कॉन्फिडेंस को देख करके ये अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि तिलका मांझी किस तरह के रहे होंगे। कई किलोमीटर जमीन में रगड़ने के पश्चात तिलका मांझी से पूछा जाता है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रहा है, तुम तो मुस्कुरा रहे हो। तो बोल रहा है कि ये दर्द नहीं है, दर्द तो मुझे तब होगा जिस दिन मेरे आदिवासी लोग मेरे बलिदान को देखने के पश्चात, मेरे भाई लोग मेरे बलिदान और इस संघर्ष को देखने के पश्चात, अगर वो लोग जागे नहीं अब, तो अब मुझे दुख होगा। तुम्हारे मार से मुझे दुख नहीं हो रहा है, तुम जो मुझे मार रहे हो, मैं तुम हंस इसलिए रहा हूं कि तुम मुझे इतना प्रताड़न का सामना कर दे रहे हो। अब जब आदिवासी लोग तुम्हें मारेंगे उस समय तुम्हें किस तरह से तकलीफ होगा, उस तकलीफ के बारे में सोच करके मैं हंस रहा हूं। आप लोगों को पता है कि उसी के बाद सिधो कानू, बिरसा मुंडा और झारखंड में कई सारे स्वतंत्रता सेनानी आते हैं और अंग्रेजों को किस तरह से मार भगाते हैं, किस तरह से मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, आप लोगों को पता है ना। मैंने बताया था सिधो कानू की कहानी कि किस तरह से सिधो ने अंग्रेजों को मारा था, है ना। तो कहीं ना कहीं तिलका मांझी की ही वो विरासत में ली गई शक्तियाँ थी जिसके कारण आने वाले कई वीर सिपाही, कई क्रांतिकारी योद्धा झारखंड की सरजमी से निकले। कई किलोमीटर जमीन में घसीटने के पश्चात अंग्रेज सिपाही ये निर्णय लेते हैं कि तिलका मांझी को अब हम लोग फांसी में चढ़ा देंगे। तिलका मांझी से पूछा जाता है कि तुम्हें फांसी दिया जा रहा है, तुम कुछ बोलना चाहोगे कि नहीं। तो तिलका मांझी मुस्कुरा करके बोलते हैं कि हंसी हंसी चढ़वो फांसी। ये एक ऐतिहासिक नारा बन गया कि वो हंसते हंसते मुस्कुरा करके इस वीर नायक का अंत हो गया। मुस्कुराते हुए तिलका मांझी ने फांसी में इन्हें चढ़ा दिया गया। मैंने बोला था कि तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिधो कानू जैसे लोग कभी मरते नहीं, हमारे दिलों में अमर हो जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में, तो हमें अपने इतिहास के इन योद्धाओं से, इन वीरों से यही सीखना चाहिए कि हिम्मत और हौसला किस तरह का होता है। आज भी हमारा देश इसी तरह की गुलामी और प्रताड़न का सामना कर रहा है। धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति हो रही है, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। तिलका मांझी ने बोला था कि एकजुट होकर के रहो, अपने से क्या लड़ते हो यारो, लड़ना ही है तो अपने दुश्मनों से लड़ो। तो यही बात है कि अपने से हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। हमारी विरासत में ये इतिहास के कुछ क्रांतिकारी योद्धा थे जिससे हमें मोटिवेट होना चाहिए, इनसे हमें कुछ सीख लेना चाहिए। और यही कहानी थी तिलका मांझी की। तिलका मांझी को जब फांसी में चढ़ाया गया था उस समय मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी बात बोली थी कि भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी है। मंगल पांडे भी अपनी जगह में सम्माननीय है, मैं उनको नमन करता हूँ, तिलका मांझी भी अपने जगह पर सम्माननीय है। इन लोगों को इतिहास में बहुत कम जगह मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता फैला रहा हूँ कि आप अपने इतिहास को, अपनी धरोहर को जानो, कि इनके बारे में भी इतिहास में बात करना चाहिए। अरे हम लोग मुगल वंश के बारे में बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के बारे में बात करते हैं कि 300 सालों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, 300 सालों तक हमें मुसलमानों ने गुलाम बनाया, हम लोग अपने ही वीर योद्धाओं के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर मेरे बस की बात होती तो मैं अपने इतिहास की किताबों से सबसे पहले इन्हीं अध्यायों को निकाल फेंकता जो हमें गुलामी की जंजीरों से जकड़ करके रखा हुआ है, जो हमारी गुलामी के बारे में हमें बताता है। क्यों हम लोग अपनी गुलामी के बारे में पढ़े भाई? इसीलिए हमारे देश का युवा खोखला हो रहा है। आज आप देखते हैं कि युवा सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो रहा है, सोशल मीडिया में अपना समय बर्बाद कर रहा है, कॉन्फिडेंस का नाम नहीं, 5 घंटे 4 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाता है, खोखला हो रहा है अंदर से युवा। हम लोग बोलते हैं कि चाइना से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि चाइना को हम लोग बीट करेंगे, कभी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाइना आपका फायदा उठा रहा है। चाइना अपने लोगों को, अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करता है, वो बोलता है कि आगे आओ, तुम टेक्नोलॉजी को अपनाओ, तुम टेक्नोलॉजी को दुनिया का बांटो, तुम पैसा कमाओ। और भारत को क्या करता है चाइना? भारत के वजह से चाइना की आज अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ चुकी है। हमारे युवा खोखले हो रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए स्मार्टफोन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उनकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल में दिन भर बाबू और सोना कर रहे हैं, दिन भर लगे रहते हैं उसी एक्टिविटीज़ में जिससे हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। मैं एक जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात जो मैंने आज तक सीखी है कि लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ना पैसा, ना पावर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई होता है तो वह है टाइम। वक्त अगर चला गया तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। 27 बरस के तुम हो गए तो कभी 26 बरस के नहीं हो सकते, तुम अगर मर गए तो वापस से जिंदा नहीं हो सकते। तो उसी तरह इस वक्त की जिस इंसान ने कदर नहीं की
इस वक्त की कदर की थी तिलका मांझी ने, वक्त रहते चला गया इस दुनिया से, लोगों को ये आवाज़ दे करके आवाम उठा के कि ए मेरे मजहब के लोगों, ए मेरे समुदाय के लोगों, ए मेरे क्षेत्र के लोगों, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए तुम लड़ना, आज़ादी का जश्न तुम मनाना, मैं तुम्हारी हवाओं में, तुम्हारी खुशबुओं में मैं शामिल रहूँगा। इसीलिए मैंने बोला कि तिलका मांझी मंगल पांडे से पहले शहीद हुए थे और भारत के वे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। इसके बाद की घटना अगर बात करें दोस्तों, तिलका के बाद भी ना जाने कितने आज़ादी के दीवाने हंसते हंसते अपने भारत माँ के लिए अपने जान न्यौछावर कर जाते हैं। आज़ादी की इस लड़ाई में अनगिनत शहीद हुए और इन पर शहीदों की गिनती जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी से ही शुरू होती है। तिलका मांझी आदिवासियों की स्मृतियों और उनके गीतों में हमेशा जिंदा रहे। ना जाने कितने ही आदिवासी लड़ाके तिलका के गीत गाते हुए फांसी के फंदे में चढ़ गए। अनेक गीतों तथा कविताओं में तिलका मांझी का विभिन्न रूपों में याद किया जाता है। इसी पंक्ति को मैं एक कविता, एक किसी कवि ने बड़ा शानदार बात कहा था, एक छोटा सा कविता है कि तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों में बांधकर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका, तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज तुम्हारे तिलका, यानी कि गुस्से लाखों से मर कर भी तुम मारे नहीं जा सके। तिलका मांझी मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के सबसे पहले विद्रोही थे, सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं दोस्तों। वीर तिलका मांझी को मेरा नमन है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार।